वेलकम टू जी जैकस किचन एंड व्लॉग व्यूवर्स, आज आपके साथ मैं देहात में गन्ने के रस के साथ किस तरह गुड़ और शक्कर तैयार की जाती है उसकी सारी टेक्निक्स आपके साथ शेयर करूंगी। और इसमें ये भी बताएंगे कि जिस तरह ये इन लोगों ने यहाँ पे मशीन लगाई हुई है गन्नों को इकट्ठा करते हैं, किस तरह रस को इकट्ठा करते हैं और किन किन प्रोसीजर से गुजरते हुए ये जाके तैयार होती है शक्कर, और बहुत ही अच्छे तरीके से। और जब ये ताज़ी ताज़ी बन रही होती है इसकी खुशबू बहुत दूर दूर तक जा रही होती है। अब इन लोगों ने क्या किया है, जनरेटर के साथ यहाँ पे जो गन्ने की मशीन को चला लिया है, और अब क्या करेंगे ये कि गन्नों को एक एक करके मशीन के अंदर डाल रहे हैं। और इन लोगों की टेक्निक चेक करें, इन्होंने ज़मीन के अंदर से ही एक पाइप निकाला हुआ है जीरे ज़मीन, और नीचे एक बाल्टी रखी हुई है, उस पर कपड़ा लगाया हुआ है ताकि जो कचरा वगैरह वो कपड़े में छन जाए और ये सारे का सारा गन्ने का रस इसके अंदर इकट्ठा हो जाए। इस गन्ने की रो को पहले हम लोगों ने एज इट इज़ पिया और बहुत ही मज़े की थी, बिल्कुल फ्रेश थी। इसके अंदर इन्होंने थोड़ा सा अदरक भी ऐड किया, पुदीना वगैरह किया, उससे क्या टेस्ट इसका डबल हो गया। और ये वैसे भी हेपेटाइटिस बी के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है। आर्टिफिशियल शुगर की बजाय अगर आप लोग शक्कर का और गुड़ का इस्तेमाल अपने खानों में करें तो काफ़ी सारी बीमारियों से आप लोग बच सकते हैं। ये देखिए वन बाई वन करके इसके अंदर गन्ने को ऐड करते जा रहे हैं, और ये आपको पाइप के ज़रिए से नज़र आ रहा होगा कि यहाँ से गन्ने का जितना भी रस है वो इसके अंदर बाल्टी के अंदर इकट्ठा होता जा रहा है। और फिर ये जब गन्ने का रस रेडी हो जाएगा तो इसको बहुत बड़ी एक कढ़ाई में डाला गया था, और कढ़ाई में बहुत ज़्यादा ये गन्ने का रस इकट्ठा हो गया था। तो फिर कुछ देर पकने के बाद उसकी कंडीशन ये हो गई थी कि थोड़ा सा ये कम होता गया, पहले बहुत ज़्यादा था यानी कि फुल कढ़ाई थी, अब इस पकाई के बाद ये थोड़ा सा इस स्टेज पे आके बबल्स बहुत ज़्यादा बनने शुरू हो गए थे। अब ये बबल्स बन रही है, थोड़ा सा थिक होते जा रहा है। जैसे जैसे इसको पकाते जाएंगे इसका एक तो कलर चेंज होगा और दूसरा ये कम होता जाएगा। और इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी वो मैं आपके साथ स्टेप बाई स्टेप शेयर करूँगी। आप वीडियो को वॉच करते रहिएगा, लास्ट तक वॉच कीजिएगा। अब इसे काफ़ी इसको कुक करने के बाद अब इसमें जो बबल्स थे वो कम हो गए हैं। एक बाबा जी ने एक बड़े सारे डंडे के साथ इसके अंदर इसको मिक्स करना शुरू किया, और ये देखिए कंटिन्यूसली इसको मिक्स किया जा रहा है ताकि ये लग ना जाए। और एक तरफ ये क्योंकि बन भट्टे के ऊपर रहा है, और एक आदमी इसकी आग को सेट कर रहा है, दूसरा आदमी इसके अंदर चम्मच चला रहा है। ये चम्मच ही हो गया यानी कि जिसको मिक्स कर रहा है इसको, ताकि इसको अच्छी तरीके मिक्स करे। दूसरी तरफ वो क्या बड़े सारा एक आपने देखा थाल सा रखा हुआ है, उसमें उसके अंदर एक आदमी ने घी लगा दिया, हल्का सा ग्रीसिंग कर दिया, और बाबा जी थक गए थे तो वो दूसरा आदमी आया और उसने आके इसके अंदर डंडा ये जो बेलचा टाइप बनाया हुआ था इसको मिक्स कर रहा है। इसके अंदर क्या किया था, जब ये रिड्यूस हो गया था इसमें थोड़ा सा डाला गया था सोडा। सोडा डालने से क्या है इसका कलर बड़ा खूबसूरत निकल के आया, और ये आप देख रहे हैं इस टाइम ये शक्कर की कंडीशन में आ रहा है, लेकिन अभी भी इसके अंदर काफ़ी स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करेंगे तो फिर ये जाके शक्कर बनेगी। अब यहाँ पे कढ़ाई के अंदर से निकाल के उस बड़े सारे थाल में निकालते जा रहे हैं, सारा का सारा जितना भी था लिक्विड इसमें डलता जा रहा था। हम दूर खड़े हुए साइड पे देख रहे थे इन सारे प्रोसीजर को, हम लोग वॉच कर रहे थे। बहुत ही मज़ा आ रहा था और बड़ी प्यारी खुशबू आ रही थी क्योंकि खुला इलाका था। फिर एक आदमी ने एक स्पैचुले की मदद से इसको गर्म गर्म ही मिक्स करना शुरू कर दिया। देखें दाएं से बाएं, बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे, ये देखें किस तरह मिक्स कर रहा है ताकि ये अच्छी तरीके से थिक हो जाए। और जब इसको कंटिन्यूसली उसने थिक करना शुरू किया, अभी देखें काफ़ी लिक्विड ही है, जब इसको करता जाएगा और साथ साथ ये ठंडा होता जा रहा है, साथ ही साथ इसका जो प्रोसीजर है वो फॉलो होता जा रहा है। वैसे तो हम लोग बाज़ार में पैसे दे के शक्कर खरीद लेते हैं, लेकिन हमें इतना नहीं पता कि इसके बनाने के कितने सारे मराहिल हैं जिनको ये तय करके ये बनती है, और फिर ये दुकानों घरों और बहुत सारी दूसरी जगहों पे इस्तेमाल की जाती है। शक्कर से बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी बनाई जाती हैं। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप ये देखें अब जैसे ये मिक्स करता जा रहा है और ये थिक थोड़ा थोड़ा सा थिक होता भी जा रहा है और ठंडा भी होता जा रहा है।
अब ये देखे करने के बाद ये इसने इस तरह की शक्ल इख्तियार कर ली है, देखिए शक्कर की शक्ल में आ चुका है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये प्रोसीजर था। यकीन जाने जब आप रियलिटी में इन चीज़ों को देखते हैं तो दिल में बड़ी खुशी होती है। फिर इसके बाद ये प्रेस किया और ये देखें कि ये हमें चेक करवाया गया, बहुत ही प्यारा बहुत ही अच्छा टेस्ट था। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।